हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर करने वाले हैं बायोटेक में। सो देखिए बच्चों, किसानों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो इंसेक्ट थे वो क्या करते थे, खेतों के अंदर जो इंसेक्ट होते थे वो क्या करते थे? मान लीजिए हम कुछ क्रॉप्स बना देते हैं, दीज आर क्रॉप्स। तो जो इंसेक्ट थे वो किसानों की क्रॉप्स को, उनकी फसलों को डैमेज कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो किसानों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम का बायोटेक्नोलॉजी में क्या सोल्यूशन निकाला गया, तो आज हम उस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि बायोटेक में कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। देखिए बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम, दिस इज द डीएनए ऑफ दैट बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम था बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस, बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस। अब इसके पास एक खास तरह का जीन था, इसके पास एक खास तरह का जीन था। सो मान लीजिए यहाँ पे वो जीन है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, उन लोगों ने उस जीन को आइसोलेट कर लिया, उसको अलग कर लिया और उसका नाम रख दिया बीटी जीन, क्योंकि बेसिलस थुरिंजिनेसिस से निकला इसलिए बीटी जीन। अब ये जीन, इसकी प्रॉपर्टी थी, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता था एक प्रोटीन की फॉर्म में। उस प्रोटीन का नाम था क्राई प्रोटीन। सो दिस इज द प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम क्या था? क्राई प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की बच्चों एक खास बात थी कि जब भी इस प्रोटीन को एल्कलिन पीएच मिलता तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती थी, और एक्टिव होके एक टॉक्सिन में चेंज हो जाती थी, एक टॉक्सिन में, एक खतरनाक टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती थी। नाउ क्राई प्रोटीन इज अ, क्राई प्रोटीन विल चेंज इनटू अ टॉक्सिन व्हिच इज वेरी डेंजरस। तो ये प्रॉपर्टी का, इस कंप्लीट प्रोसेस का यूज किया गया फसलों को बचाने के लिए। देखिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द प्लांट सेल, और ये हो गया प्लांट सेल का डीएनए। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, बीटी जीन जो था, इस बीटी जीन को प्लांट के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया लाइक दिस, यानी कि प्लांट सेल इज नाउ विद बीटी जीन। मतलब प्लांट सेल के पास, प्लांट के डीएनए के पास बीटी जीन की प्रॉपर्टी अब आ चुकी है। तो देखिए, क्योंकि अब उसके पास बीटी जीन है, इसलिए प्लांट सेल का एक एक पार्ट या प्लांट का एक एक पार्ट इस जीन को एक्सप्रेस करेगा। सो ईच पार्ट ऑफ प्लांट सेल प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन, क्योंकि उसके पास बीटी जीन है, तो बीटी जीन अपने आप को क्राई प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अभी ये क्राई प्रोटीन इनएक्टिव है, अभी ये क्राई प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव। इस प्लांट को फिर से बनाते हैं, मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने, या यू कैन से किसी पेस्ट ने इस प्लांट के ऊपर, इस फसल के ऊपर, इस क्रॉप के ऊपर अटैक किया। सो दिस इज दी, आप इसको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। कैटरपिलर का मतलब होता है इंसेक्ट का लार्वा जो होता है, पेस्ट का जो लार्वा स्टेज होती है उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, आम भाषा में जिसको सुंडी बोला जाता है, दैट इज कैटरपिलर।
जब ये इस प्लांट को खाएगा, उसके किसी भी पार्ट को खाएगा, तो उसके एक एक पार्ट के अंदर हम जानते हैं क्राई प्रोटीन मौजूद है इन एक्टिव स्टेज में। जैसे ही ये क्राई प्रोटीन इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, मान लीजिए ये हम इसकी गट बना देते हैं, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज दी गट। तो इसकी गट का जो पीएच होता है वो एल्कलीन होता है बच्चों, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एल्कलीन पीएच मिलते ही क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है एक खतरनाक टॉक्सिन में। क्राई प्रोटीन इसकी बॉडी में जाते ही गट का पीएच एल्कलीन है, तो ये क्राई प्रोटीन चेंज हो गया अब टॉक्सिक क्राई प्रोटीन में, और ये जो टॉक्सिन है ये क्या करेगा, इसकी गट वाल को जगह जगह से डैमेज कर देगा, इसकी गट वाल को, एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर गट वॉल डैमेज होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो कैटरपिलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को मैं लिख देता हूँ कि एक्टिव क्राई प्रोटीन डैमेज गट वॉल ऑफ लार्वा, जिससे क्या होगा, लार्वा की डेथ हो जाएगी। और अगर लार्वा की डेथ हो जाएगी तो इस सिचुएशन में हमारा प्लांट क्या होगा, सुरक्षित होगा, सेफ होगा। तो इस टाइप से हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बीटी जीन की हेल्प लेकर के हम प्लांट्स को बचाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। सो दिस इज़ द वेरी यू कैन से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू सेव प्लांट्स। अब देखिए बच्चों, जो बीटी जीन है, क्योंकि बीटी जीन से हम क्रॉप्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स को चेंज कर रहे हैं जेनेटिकली, तो इसीलिए ऐसी क्रॉप्स को जिनमें बीटी जीन डाला जाता है, ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं बीटी क्रॉप्स। तो अब आप समझ गए कि बीटी क्रॉप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने क्रॉप्स के अंदर बीटी जीन डाला हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए, दैट इज़ वाई दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड बीटी क्रॉप्स। और क्योंकि हमने उनका जीन चेंज किया है, हमने उनके जेनेटिक मेकअप के साथ मैनिपुलेशन किया है, इसीलिए इस तरह के क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अभी तक बच्चों हम बीटी कॉटन बना चुके हैं इस टेक्निक का यूज़ करके, बीटी ब्रिंजल हम सिंथेसाइज कर चुके हैं, और बीटी सोयाबीन भी हम बना चुके हैं। इसके अलावा सुट्टे मारने वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि हमने बीटी टोबैको भी बना लिया है। तो इस तरह के काफ़ी सारी हमने बीटी क्रॉप्स सिंथेसाइज की हुई है। और एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है यहाँ से बीटी कॉटन के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट, वो है कि बीटी कॉटन को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, बीटी कॉटन को इंडिया में सन 2002 में लॉन्च किया गया था, उसको अलाउड कर दिया गया था, भाई किसान अब इसको खेतों में उगा सकते हैं, ये सेफ है। अब बीटी जीन के बारे में कुछ और बात करते हैं कि ये किस तरह के इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, क्योंकि इंसेक्ट की भी बहुत तरह की क्लासेस होती है, जैसे कि लेपिडोप्टेरान एक क्लास है। लेपिडोप्टेरान में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, देखिए इस क्लास में आते हैं हमारे टोबैको, बड वॉर्म, ये तंबाकू में लगने वाला एक कीड़ा है, टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वर्म, तो ये लेपिडोप्टेरान है, बीटी जीन इनको ख़त्म कर सकता है।
इसके अलावा इंसेक्ट्स की एक कैटेगरी है कोलियोप्टेरान, कोलियोप्टेरान, कोलियोप्टेरान कैटेगरी में आते हैं बीटल्स, और एक कैटेगरी है डिप्टेरान्स। डिप्टेरान कैटेगरी में आते हैं बच्चों जितने भी फ्लाइज है, मस्कीटोज है, फ्लाइज है, मस्कीटोज है, ये सब डिप्टेरान कैटेगरी में आते हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो जो मैंने नाम लिखे हैं, इन सभी इंसेक्ट्स को, इन सभी इंसेक्ट को जो बीटी जीन है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको किल कर सकता है। और इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद देखिए, हमें पता है कि बीटी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्राई प्रोटीन की फॉर्म में। तो जो ये क्राई प्रोटीन है ये भी कई टाइप का होता है और जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट को किल करता है। तो एक होता है, एक है क्राई वन ए बी, सॉरी ए सी, एंड क्राई टू ए बी। तो ये जो क्राई प्रोटीन है दोनों, क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी, ये क्राई प्रोटीन किल कर सकते हैं कॉटन बॉल वर्म्स को, कपास के जो टिंडे के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं कॉटन बॉल वर्म्स, उनको ये दोनों ही क्राई प्रोटीन किल कर सकते हैं। एक है बच्चों क्राई वन ए बी, क्राई वन ए बी कैन किल कॉर्न बोरर्स, मक्की के अंदर जो कीड़ा लगता है उसको बोलते हैं कॉर्न बोरर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्राई वन ए बी का यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच।